चलो, मैं रह रहे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए हैं, लेकिन जिला मुख्यालय में हफ्ते भर पहले हुई घटना ने एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब आधा दर्जन युवक आधी रात शहर के गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में घुस गए और खिड़की तोड़ने लगे। छात्राओं ने उन्हें देखकर शोर मचाया, जिसके बाद युवक भाग गए। घटना की शिकायत आदिवासी विकास विभाग ने 25 जुलाई को पुलिस में की थी, जिसकी जांच चल रही है, और पुलिस हॉस्टल में भी पहुंची थी, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया। दरअसल यह घटना शहर के बीच कन्याशाला स्कूल परिसर स्थित अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की है, जहां पर 23 जुलाई की रात 1:30 बजे के तकरीबन बदमाशों ने जमकर हुड़दंग किया। और इस घटना के बाद कांकेर विधायक शिवपाल शोरी ने कन्या छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे थे और छात्रावास की बच्चियों से भी मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि टूटी हुई दीवार को जल्द ही बनाने और एसपी से 2-3 बार गश्त कराने की बात कही, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इसी तरह के सुरक्षा इंतजाम हैं तो छात्राएं खुद को कैसे महफूज समझ रही होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास लक्कीपाड़ा कांकेर की अधीक्षिका द्वारा दिनांक 23/7/2019 को रात्रि लगभग 1:30 बजे 7-8 व्यक्तियों द्वारा हॉस्टल की खिड़की को तोड़कर जो है बच्चियों के साथ में गलत हरकत छेड़खानी के संबंध में अपने सहायक आयुक्त को एक आवेदन बना के दी थी, जिनके माध्यम से थाना कांकेर को जांच हेतु प्राप्त हुआ था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार उस एप्लीकेशन की जांच मेरे द्वारा की गई। कुछ अवांछनीय तत्व यहाँ घुसाए थे और उन्होंने खिड़की से ग्रिल तोड़ने की कोशिश की, और हमारे यहाँ सारी बच्चियाँ अध्ययनरत हैं, तीन हॉस्टल की बच्चियाँ यहाँ पे हैं और बच्चियाँ भी 9 से 12 तक की बच्चियाँ हैं। बड़ी चिंता हुई और चिंता की वजह से हम देखने आए। वहीं बरमकिला ब्लॉक